भाई साहब आज मुझे बनाने का मौका दीजिए, मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। कि मैं भी बड़े हुकुम की लुगाई से कम ना हूँ। हाँ, खाना तो मैं ही बना के खिलाऊंगी उन्हें। वहाँ से जो भी कुछ सीख कर आएगी ना, हम सबको सिखा दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन नमक का उपयोग करने से हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। अगर हम आयोडीन वाला नमक उपयोग करते हैं तो घेंगे जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। की बच्ची खाना बनावेगी तू? रसोई घर में जाने से पहले ना तुझे बिस्तर पे पहुंचाऊंगी, हड्डी पसली सब एक हो जावेगी। जब हफ्ते भर बिस्तर में पड़े पड़े टेसुए बहाएगी ना, तब तन्ने पता चलेगा कि मारे और हुकुम के बीच में आने का अंजाम के हो गए है। बड़ा महंगा पड़ेगा तन्ने। अब सीढ़ियों से गिर गई है, बेहोश है। बेटा, मारी बात सुन रही ना? हाँ, आंखें खोल ना गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया आंखें खोलो, गुड़िया, गुड़िया आंख खोल ना गुड़िया। क्या करती है तू? हाँ, एक बच्ची ना संभाली जाती थारे से। अभी तो खेल रही थी, पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई, दुनिया भर की खबर रहती है तारे पास, इसकी उसकी, लेकिन अपनी बेटी की नहीं है ना। आप पहले डॉक्टर को तो फोन कीजिए। करता। हेलो, ए डॉक्टर, कहाँ रहे तू? जी मैं निकल चुका हूँ। हाँ अभी अभी हमारी हवेली आ जाओ, उनके समझाना। मैं पहुंचता हूँ हुकुम। आ जा तुरंत। अरे बेटा कुछ तो बोल तू। अरे क्या कर रही है, अपना बापू सा को रुलाई के? देख लल्ला, चिंता ना कर,
अरे अपनी गुड़िया चंचल है, फिसल गई। फिर डॉक्टर भी आने वाला है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जी भाई साहब। गुड़िया के कलवे में तेल कहाँ से लग गया? इसी वजह से तो गुड़िया नहीं फिसली। सीढ़ी पर तेल कहाँ से आया? सुत्रे हटिया। आई हुकुम। क्या हुआ हुकुम? क्या कर रही थी सीढ़ियों पे? जी वो खून गिर गया था सीढ़ियों पे, गुड़िया गिर गई थी ना, तो बस वही साफ कर रही थी। हमारे को सबसे पहले ये बात बता कि गुड़िया गिरी कैसे? चल बोल। मने ना पता गुड़िया कैसे गिर गई, मैं तो बस गुड़िया की चीख सुनी तो दौड़े दौड़ी गई, देखा गुड़िया गिर गई, बेहोश हो गई। चुप। अरे एक ही घर में रहते हो, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। अरे तुम लोगों की लापरवाही की वजह से गुड़िया गिर गई। खड़े खड़े मारा मुंह क्या देख रही है, जा ध्यान दे उसका, जा जल्दी जा। लाडो बता वो शिविर में क्या क्या हुआ? मासा हमें ना वहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई, खाने की किस चीज में कौन सा विटामिन होता है और उसकी कितनी जरूरत होती है। और पता है मासा, और आयोडीन नमक खाने से हमारे अंदर के कई रोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, इन सब की हमारे शरीर में कितनी जरूरत होती है ये भी हमें वहाँ बताया गया। और पता है मासा, सरकार हमारे लिए काफी योजनाएं चलाती है, और सरकार हम गरीब लोगों के लिए ऐसी कई सुविधाएं हैं जो मुफ्त में देती है। और हमें इन सब की जानकारी न होने के कारण जो बीच के लोग होते हैं वो सब घोटाला कर देते हैं। मैंने तो पहले ही पता था कि छोरी शिविर से आने के बाद लंबा भाषण दे देगी। बताती साहब, ये सब तो बहुत जरूरी बात है और ये सब की जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए ना। अरे के होएगा ये सब जान के, हम गरीबों का पेट भर जाए वो ही बहुत बड़ी बात है हमारी। और पता है दादी साहब, हमें वहाँ पर ये भी जानकारी मिली कि सरकार हमें कौन सी दवा मुफ्त में दे रहे हैं और वही दवाई अस्पताल वाले हमें पैसे से बेचे। और पता है दादी साहब, वहाँ पे ना योग भी सिखाया जा रहा था, बहुत से लोग सीख रहे थे, हमारा भी मन किया। और पता है दादी साहब, वहाँ पे हमें ये भी पता चला कि जो योग करने से आपके गठिया का रोग भी ठीक हो जाएगा। अरे बस बस, अजय सब जान के कुछ ना होगा, अस्पताल वाले घोटाला करेंगे और थारा हक के लिए आंदोलन शुरू हो जाएगा। और मिलेगा कुछ ना, नुकसान हो जाएगा वो अलग, अजय वास्ते थारा भाषण बंद कर। दादी साहब, हमारी टीचर जी कहती है कि ज्ञान और जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। क्या पता कि कौन सी जानकारी कहाँ काम आ जावे और किसी का भला हो जावे। अरे थारे से तो बहस में ब्रह्मा जी भी जीत ना पावे। मारी टीचर जी जे कहे, मारी टीचर जी वो कहे, पटर 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 बोले जावे। अरे चुप कर, जबान ने आराम दे। जितना ज्ञान शिविर में लेके आई है ना, इतना ज्ञान तो घर में मिल जाएगा। अपनी माँ के साथ हाथ बटा, देख कितना ज्ञान मिलता तन्ने। छोरी थक गई होगी, शिविर से आई है ना, चल हाथ मुंह धो ले, खाना दे देती हूँ। हाँ चल आ जा। इतना ज्ञान बघारे है, इतना ज्ञान बघारे है।
पता नहीं कहां जावेगी जे छोरी। साहब सब ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। एक घंटे में इन्हें होश आ जाना चाहिए। वैसे ये भी हो सकता है कि इनके सिर पे कोई अंदरूनी चोट लगी हो। एक घंटे में होश नहीं आया तो हमें इन्हें शहर लेके जाना होगा, सिटी स्कैन जैसी कुछ जरूरी जांच करवानी होगी। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, अस्पताल में कोई ज़रूरी काम है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि गुड़िया को जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर चल बैठ यहाँ। बैठा जा रहा तो अगर ईश्वर से ही प्रार्थना करनी होती तो तने नहीं बुलाता मैं यहाँ, समझाना? हमारी बात ध्यान से सुन, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हो जाती कहीं नहीं जा रहा तू। अनमोल है, यदि वो कपट चलन और देश की बजाय प्यार विश्वास और संभावनाओं में यतीत हो तो वही जीवन आनंदमय सुंदर हो सकता है। अरे वाकाजल, तुमने तो बहुत अच्छा सुविचार लिखा है। तुम्हारे सुविचार तो बहुत ऊंचे हैं। प्रगति, मेरे मन में ये विचार तुम्हारे वजह से ही आए हैं। तुमने मेरे मन को बदला है। नहीं काजल, ये तो तुम्हारे मन की खूबी है जो एक अच्छी दिशा की तरफ जा रही है और इसमें बदलाव आ रहा है। और ना, दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी गलती जानने और समझने के बावजूद भी वही गलती बार बार करते और गलत दिशा में जाते रहते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ तुम्हारी जीत है। धन्यवाद प्रगति, अब से तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। और तुम भी। मारी छोरी है तू। पर बापू साहब, किसी दिन किसी दुश्मन ने मारा सर उड़ा दिया तो? ए डॉक्टर, ये दवा दिए तो ना है? सही दवा दिए ना? हं? ए थारी डिग्री तो फर्जी ना है ना? इलाज करना जा रहे हैं ना?
इतनी देर से हमारी बेटी होश में आई क्यों? अरे हुकुम, थोड़ा सबर कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं, ठीक करना पड़ेगा तने, वरना थारी तबीयत ऐसी बिगाड़ूंगा कि थारा इलाज करने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझा ना? अरे सब ठीक हो जाएगा लल्ला, तू परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। वसुधा, वीर बापू सा, हमारा छोरा वीर। तू परेशान मत, सब ठीक हो जाए। बोला था ना सब ठीक हो जाएगा, होश में आ गई गुड़िया। ए मारी बेटी, तने ठीक लागे ना? हां बोल बोल के खाएगी। मैं ठीक हूं बापू सा। हुकुम, गुड़िया को थोड़ा आराम करने दीजिए। ठीक हो जाएगी ना ये? हां अब तो होश आ गया ना, अब तो बिल्कुल ठीक है बिटिया। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे आराम करने दे अभी। सुन डॉक्टर, थारी जरूरत पड़ेगी ना तो चुपचाप आ जाना। जी हुकुम, बिल्कुल। चल निकल। चल लल्ला, इसको आराम कर। ठीक है भाई। वीर बापू सा, हमारा छोरा वीर। हाय मरा राम जी, ये दोनों अचानक से कहां टपक पड़े? देखो जी, महारानी कैसे बनी सवरी हैं, अब तो जे मन ने फिर से नौकरानी बना के रहेगी। के कर सके हैं, इनका स्वागत तो करना ही पड़ेगा मन ने। चलो यही सही। अरे बाहर को बताया भी नहीं तुम लोगों ने कि आ रहे हो। महाराणा अच्छा ना लगा आपको? कैसी बात कर रही है? अरे कभी तो बाहर को समझने की कोशिश कर। आज ही थारी चर्चा चल रही थी। वो क्या है ना वीर, की छुट्टियां हो गई थी 2-3 दिन की, उसको आप लोगों की और खास करके गुड़िया की बहुत याद आने लगी, तो मारे से धुला राव आने की जिद करने लगा, पर मारे सामने दुविधा आ गई कि एक माँ का फर्ज निभाकर एक बच्चे की खुशी की खातिर उसके पिता से मिलवा दूं, या फिर अपनी मान मर्यादा का ध्यान कर अपने बच्चे की खुशियों की बलि दे दूं। खैर अब सच्चाई तो यही है कि एक बार फिर मैं अपने पति के घर में आ गई हूं, पर अपने बच्चे की खुशी की खातिर। क्यों ऐसे बातें करें, जब देखो ऐसी बातें करें। अरे मारे को समझने की कभी तो कोशिश कर। अरे इस हवेली की बड़ी बहू है तू, एकदम से खुद को इतना दूर क्यों कर ले हुए है?
इसका जवाब है आपके पास, पर कभी ठंडे दिमाग से सोचोगे तो जान जाओगे। अरे अपनी बातें तो बाद में कर लेंगे, अब पहले वीर की बात हो जाए। अरे थारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है बापू साहब, मेरा स्कूल तो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। अरे इसलिए तो सरकारी स्कूल से निकाल कर थारे को मैं शहर भेजा, ताकि दूला राव जी के पूरे माहौल से तू दूर रहे, आगे जाके पूरी सियासत थारे को तो संभालनी है। अरे भाभी साहब आप लोग खंबागणी, आप लोग अचानक आ गए, बताना तो था कम से कम, मैं खुद आ जाता भाभी साहब, आदेश करते आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, वो वीर की छुट्टी हो गई थी 2-3 दिन की, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ आ जाऊं। अच्छा वो के कहें अंग्रेजी में उसे सरप्राइज सरप्राइज दे दिया आपने। तने मारा और भाई साहब और पूरे इस खानदान का नाम रोशन करना है ना? हाँ कक्का साहब, मैं पढ़ाई करके आप लोग का नाम जरूर रोशन करूंगा। खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। हाँ ठीक है कक्का साहब। के कहें अंग्रेजी में उसे सरप्राइज सरप्राइज दे दिया आपने। वीर काका सा, मारा बच्चा आजा हमारे पास। कैसा तू? ठीक हूँ काका सा। तन्ने पता थारी कितनी याद आती है मने? मन्ने भी बहुत याद आती है काका सा। मारा बच्चा, और बता थारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, मैं शहर के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। देख वीर, तने मारा और भाई साहब और पूरे इस खानदान का नाम रोशन करना है ना? हाँ कक्का साहब, मैं पढ़ाई करके आप लोग का नाम जरूर रोशन करूँगा। खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। हाँ ठीक है कक्का साहब। कक्का साहब गुड़िया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। बेटा वो अपने कमरे में सो रही है, थोड़ी चोट लग गई उसे। के हुआ? भाभी साहब वो सीढ़ियों पे पैर फिसल गया उसका और गिर पड़ी। कहाँ है वो? अपने कमरे में ही है भाभी साहब, मिल लो ना जाके। माँ हम लोग चलकर देखें क्या? हाँ बेटा चलो। बहुत खुश हो गया आप लोगों को देख के वो। आइए भाभी साहब। जी भाई साहब। हमारे अपनों ने कभी हमारे को समझने की कोशिश नहीं की कि एक बार मैं ये रुद्र प्रताप सिंह सारी दुनिया के साथ कठोर हो सकता है अपने के लिए, जान दे सकता हूं मैं तुम लोगों के लिए। आज तक मैंने जो भी अच्छा बुरा किया है अपने घर परिवार के लिए किया, पर एक एहतियात के बाद ही मैंने क्या मिला? कुछ नहीं। ये किस्मत है था दुनिया सब कुछ है तुम्हारे पास, अभी तो अकेला है, बिल्कुल अकेला। बच्चों तुम लोगों को और कुछ चाहिए? सुरेश जी कभी तो खाना अच्छा बना दिया करो। अरे कभी कभी दाल में दाल तो डाल दिया करो, हम लोग तो इस दाल में पानी में दालें ढूंढते रह जाते हैं। प्रगति तन्ने ना बिल्ली की तरह बीच बीच में रास्ता काटने की आदत हो गई है, अब जो मंडे को मिलेगा मैं तो वही बनाऊंगा ना।